फगवा एक्सप्रेस हमारे मित्र सखा रहे अवस्थी जी बहुत ही हमारे करीब रहे महमूदाबाद में, आदरणीय बड़े भाई अशोक जी हमारे साथ आए, फगवा एक्सप्रेस न्यूज के डायरेक्टर रामनाथ गुप्ता जी, विश्वेंदु परिषद से प्रणय जैन जी, तमाम साथी हमारे मित्रगढ़, मैं सभी का नाम लूंगा तो हमारे काल के कार्यक्रम में विलम्ब होगा। डॉक्टर ओम प्रकाश जी, डॉक्टर विवी सिंह जी, मित्रों, सभी वक्ताओं ने भारत माता की पूजनी गौ माता के बारे में आप सबको बताया। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही ऐसा निर्णय, बहुत ही बेहतर निर्णय जो लिया गौ माता को लेकर के, उसमें आप सबकी सहयोग की जरूरत है। मित्रों, आज भी बहुत से लोग हैं जो ये सोच करके अपने खेतों में प्लेट का तार लगाते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो प्लेट का तार न लगाए, जिससे गौ माता को जो पीड़ा होती है, अभी खुली घूम रही है, कोई दिक्कत नहीं, सभी खाना देंगे। लोग खाना की चिंता करते हैं, पहले चिंता खाना की नहीं है, पहले तो गौ माता को बचाने की बात आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा एक्सप्रेस न्यूज। जनपद सीतापुर के ब्लॉक रामपुर मथुरा में गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर छुटकन्नू अवस्थी द्वारा आयोजित रामपुर मथुरा के संगत मंदिर प्रांगण में गोपाष्टमी कार्यक्रम भव्य रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में आए शुद्धि जनों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिंदू गौ रक्षा क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा भूपेन्द्र जैन ने गौ सेवक छुटकन्नू अवस्थी को अंग वस्त्र भेंट कर अपनी बात रखते हुए लोगों को गौ सेवा करने के लिए प्रेरित किया और लोगों को अपने खेत में ब्लेड वाला तार न लगाने के लिए कहा। साथ ही ब्लेड तार से घायल होने वाली गायों और गौ वंश की पीड़ा का उल्लेख करते हुए कहा कि जब हमें जरा सा काटा लग जाने पर बहुत पीड़ा होती है, तो सोचो धारदार ब्लेड से कट जाने से गौ वंश को क्या पीड़ा होती होगी। इस अवसर पर भगवा एक्सप्रेस न्यूज चैनल के डायरेक्टर रामनिवास गुप्ता ने गौ रक्षा और गौ सेवा पर जोर देते हुए कहा कि जितना भी हो सके लोग गौ सेवा करें और गौशाला संचालक गौ सेवक छुटकन्नू अवस्थी जी का जितना हो सके सहयोग करें। इस अवसर पर गोपाष्टमी के पावन अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हिंदू गौ रक्षा क्रांति दल भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा भूपेन्द्र जैन और मुख्य अतिथि हिंदू गौ रक्षा क्रांति दल भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व भगवा एक्सप्रेस न्यूज चैनल के डायरेक्टर रामनिवास गुप्ता, हिंदू समाज पार्टी के राहुल गुप्ता उपस्थित रहे तथा क्षेत्र के सम्मानित बंधु जिनमें जगदम्बा प्रसाद तिवारी, पत्रकार राम मनोहर अवस्थी, कुरुण दीक्षित, शिवशंकर मिश्रा, डॉक्टर अनिल कुमार बैद जी, डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा, प्रणय जैन, रामचंद्र दीक्षित, अरविंद जी, रवि गुप्ता, ललित गुप्ता आदि भक्तजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन गौ माता को भोग लगाकर उनका मस्ताभिषेक व पूजन अर्चन करते हुए गौ जी माता की आरती के साथ संपन्न हुआ। रामपुर मथुरा से भगवा एक्सप्रेस न्यूज चैनल के लिए अमन दीक्षित की रिपोर्ट। लगातार अपडेट पाते रहने के लिए हमारा चैनल भगवा एक्सप्रेस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें।